जय हिंद दोस्तों। 1965 की लड़ाई की रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें। कैप्टन जयंत सरंजमे भले ही 76 साल के हो चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने अपनी शेर दिली के दम पर 15 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी टैंकों द्वारा भारतीय सेना पर किए गए हमले को नाकाम कर दिया था। 15 सितंबर 1965 की वो रात हमारे लिए एसिड टेस्ट की तरह ही थी। ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर AK लुथुरा ने हमें सियालकोट कंटोनमेंट और उसके सामने स्थित 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड सेक्टर में 8000 लेंस माइन बिछाने के लिए सिर्फ 6 घंटे का वक्त दिया था। इससे 2 दिन पहले 13 सितंबर को पाकिस्तानी पैटर्न टैंक ने इंडियन आर्मी बटालियन इंडिया में हमला करते हुए हमारे सैनिकों द्वारा 12 सितंबर की जीती हुई कलारवंदा पोस्ट से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। टैक्टिकली ये पोस्ट महत्वपूर्ण थी क्योंकि इस पर एक हिलॉक था। इसका भौगोलिक महत्व यह है कि इससे आप दुश्मन से एक कदम आगे रहते हैं। 15 सितंबर की सुबह हुई ऑपरेशन मीटिंग में कर्नल प्रेम कुमार, जो कि एक जैक राइफल के कमांडिंग अफसर थे, बटालियन को पीछे हटने का फैसला किया क्योंकि उनके पास आर्टिलरी सपोर्ट नहीं था। उन्होंने इस बारे में सफाई भी दी थी। कर्नल प्रेम कुमार ने 5 अगस्त 1965 को चेन्नाब नदी के पास अखरूर में अपने 900 में से 300 सैनिकों को पाकिस्तानी टैंकों से कुचलते देखा। कर्नल प्रेम के दिमाग में अभी वो बुरी यादें जिसके सैनिकों के मनोबल टूट सा गया था बिल्कुल ताज़ा थी। और अब 13 सितंबर को फिर से पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों ने इनके आदमियों को परेशानी में बढ़ा दी थी क्योंकि इसके पास राइफल और मशीन गन थी, कोई भी एंटी टैंक हथियार नहीं था। ब्रिगेड कमांडर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि कर्नल प्रेम सौंपे गए काम को हर हाल में पूरा करें। उन्होंने कर्नल प्रेम को अपनी पैदल सेना के साथ आगे बढ़कर कलारवंदा पोस्ट को फिर से अपने कब्जे में लेने का ऑर्डर सुना दिया। इस काम को पीछे खतरे को देखते हुए कर्नल की जुबान को मानो काट मार गया था और वो सोचने लगे कि आखिर से पैदल सेना के सहारे हम ये दुष्कर्म कार्य कैसे करें। कर्नल ने मांग की कि उन्हें अपने बटालियन एरिया के सामने लैंडमाइन चाहिए जिससे काउंटर अटैक के वक्त उनके आदमियों को थोड़ी सुरक्षा मिले। ब्रिगेड कमांडर लुथुरा ने 8000 माइंस देते हुए सेकंड लेफ्टिनेंट संजमे को इन्हें लगाने की जिम्मेवारी दी थी। सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरनामे ने इस काम को जिम्मेवारी लेते हुए मार्किंग खुदाई और माइंस की ढुलाई के लिए कर्नल प्रेम की बटालियन के अतिरिक्त जवानों की मांग की। कर्नल प्रेम के पास अपने राइफलमैन को खुदाई और ढुलाई के काम में लगाने के अलावा और कोई दूसरा चारा नहीं था। इन्होंने हाँ कर दी। एक जैक राइफल के अलावा 2 अन्य बटालियन ने भी इस काम में मदद की। इस काम के लिए ब्रिगेड कमांडर द्वारा सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत सरंजमे को चुनने के पीछे का कारण कमांडर का लेफ्टिनेंट पर अटूट भरोसा था। युवा सरंजमे कुछ ही महीने पहले हजारों लैंडस्माइन को लगा कर निकल चुके थे। दूसरा 10 ट्रकों में 8000 लैंडस्माइन को लूट किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट सरंजमे और उनके 61 जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डालते हुए एक
एक्टिवेटेड लैंडमाइन के लदे उन ट्रकों में अपनी यात्रा शुरू की। अंधेरी रात में ट्रक सियालकोट की तरफ बढ़ने लगा। मिलिट्री के ड्राइवर ने बिना हेडलाइट जलाए उन लोडेड ट्रकों को बड़ी ही कुशलता से मैदान के रास्ते निकाला। इस मोमेंट को छिपाने के लिए ट्रकों की पार्किंग लाइट को भी बंद कर दिया गया। आदमी ट्रकों के टायर प्रेशर को इस तरह से मैनेज किया गया था कि ट्रक उछले ना, जिनसे उनमें रखी माइंस फटकर भीषण दुर्घटना का कारण ना बन सके। कुछ प्लान के मुताबिक ही और सारी टीमें अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए, जिससे लैंडमाइन को लगाने का काम आधी रात से एक घंटे पहले ही निपट गया। इस वक्त तक दुश्मन भी सतर्क होता दिख रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने मोर्टार डालने शुरू कर दिए। सिंगम की फायरिंग, बमों का फटना, गोलियां, हर तरफ बस धमाका ही धमाका का शोर था। ऐसा लग रहा जैसे कभी रोज की कुछ ज़्यादा ही तेज टेक टेक कर रही थी। मानो पैरों के नीचे से रेत फिसलती जा रही थी। ऐसी परिस्थितियों में किसी आम इंसान का दिल तो दोनों से धड़कने लगता, लेकिन ऐसी हालत से निपटने के लिए फ्रेंड किए गए सेकंड लेफ्टिनेंट जयंत संजमे अपने जवानों के साथ तीन ग्रुप में बट कर शाम लेकिन तेज रफ्तार और पूरे कौशल के साथ एक के बाद एक गड्ढों में लैंडमाइन बिछा रहे थे। दुश्मनों के नाक के नीचे लगा डाली लैंडमाइन। जयंत के दुस्साहस का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस रात उन्होंने अपने जवानों के साथ दुश्मन के खेमे महज 500 मीटर की दूरी तक माइंस बिछा डाली थी और दुश्मनों को कामों का खबर नहीं हो पाई थी। लेफ्टिनेंट जयंत ने बड़ी होशियारी से इस काम में पेड़ों की सूखी पत्ती